हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है संडे एंड मैं संडे को सुबह से व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। तो आप ये देख सकते हैं मैं किचन में हूँ एंड संडे को कुछ स्पेशल नाश्ता बनाने का सोचते हैं। तो इडली बनाया था आज मैंने, ऐसा कुछ स्पेशल तो है नहीं, बट बाकी दिन नॉर्मल रोटी सब्जी बनती है, बट सुबह नाश्ता में संडे को कुछ बनाती हूँ मैं। तो बस वही इडली की तैयारी हो रही है एंड आप अभी देख सकते हैं कि सामने जो बहुत ज़्यादा मैस फैला हुआ था किचन में, पहले वो सब चीज़ों को मैं संभाल के रख रही हूँ। लाइक मेरे हस्बैंड ने सांभर बना के रख दिया था, तो फिर मैं चटनी दाल की एंड इडली बना के बस सबको सर्व करूँगी। तो बस यही था। तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था एंड इतने फैले हुए किचन में मेरे से काम नहीं होता, तो पहले मैं सब चीज़ें जो भी धोने की थी, वॉश करने की, उसको धो के रखा। लाइक तीन चार कटोरियाँ चम्मच सब पड़ी हुई थी वहाँ पे, सबको धो धो के रखा, साइड करा। जो काम का नहीं था उसको वॉश करने के लिए डाला ऐसे ही वहाँ पे, मतलब लाइक क्लीन किया जो भी मैस फैला हुआ था। एंड पानी पानी भी था बहुत, आप देखिए तो उसको जो वाइपर है क्लीन करने वाला, उससे मैंने सब पानी को भी साफ़ किया। तो प्लेटफॉर्म एकदम साफ रहने से फिर काम करो तो मज़ा आता है, लाइक भीड़ भाड़ में मेरे से काम नहीं होता। एकदम फैला हुआ था, लाइक वहाँ पे एक ग्लास भी रखने की जगह नहीं थी, इतना फैला हुआ था। तो पहले क्लीन कर रही हूँ, देखिए आप। उसके बाद सांभर तो बन ही गया था, तो बाकी का प्रोसेस मैं दिखा रही हूँ फिर। तो पहले मैं दाल की चटनी बना रही हूँ। ये चना दाल लिया है मैंने एक कटोरी एंड तीन मीडियम साइज़ के प्याज लिया है, उसी में चॉपर में अदरक एंड हरी मिर्च तीन चार एंड अदरक एक इंच का बड़ा टुकड़ा ऐसे करके डाल दिया एंड उसी में चॉप कर लिया। उसके बाद फिर मैं ये एक पैन ले रही हूँ, उसमें टू टेबल स्पून ऑयल डाल दिया, रिफाइंड ऑयल। उसके बाद प्याज अदरक और हरी मिर्च जो थी कटी हुई, उसको डाल के थोड़ा सा सेकना है, लाइक बहुत ज़्यादा ब्राउनिश नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट होए उतना देर तक सेकना है उसे, आप ये देख सकते हैं। एंड आप चाहे तो इसमें एक दो पीस लहसुन के भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा टेस्ट आता है उससे भी, बट मैंने अभी नहीं डाला था, कई बार डाल देती हूँ मैं। एंड हरी मिर्च ये सब आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तीखी नहीं लगती है, तो मैंने तीन चार हरी मिर्च ऐड कर लिया, बच्चे भी खा लेते हैं, इसमें तीखी नहीं लगती हरी मिर्च डालने पे। एंड उसके बाद मैंने ये एक कटोरी चना दाल लिया है, तो इसे बस डाल के ब्राउनिश होने तक सेकूंगी। मैं तेज़ फ्लेम में सेक रही हूँ, क्योंकि खड़े होकर मैंने उसे चला के लगातार चलाते हुए सेका था, तो इसलिए तेज़ फ्लेम में सेक रही हूँ। ये आप देखिए थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया है, देखिए बस इतना ये दाल को सेकना है। एंड इसके बाद मैं अभी इसे फ़ैन के नीचे रख दूँगी ठंडा होने के लिए, बस जब तक मैं इडली चढ़ा देती हूँ बनने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे ग्राइंड करके नॉर्मल करी पत्ता, हरी मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्च एंड ड्राई जीरा ये सबसे छौंक लगाना है। एंड अब ये देखिए मैंने इडली का ये मोल्ड उसको रख दिया है गर्म होने के लिए एंड इसमें मैंने ऑयल लगा लिया है एंड ये है इडली का बैटर। हम लोग की फैमिली के हिसाब से लाइक इसमें मेरी मदर इन लॉ ने भिगाया है, तो इसमें उन्होंने तीन ग्लास लिया है चावल मोटा वाला एंड वन ग्लास लिया है उड़द की दाल एंड एक मुट्ठी लाइक एक कटोरी आप बोल सकते हैं पोहा लिया है नॉर्मल एंड एक चम्मच छोटी चम्मच में मेथी दाना। ये सबको भिगा दिया था दोपहर को, कल दोपहर को, तो फिर उसके बाद रात को उन्होंने ही ग्राइंड करके रख दिया। एंड अभी ये मैं बना रही हूँ, इसमें मैंने एक चुटकी सोडा डाला है बस। इस नॉर्मल इडली जैसे बनती है वैसे ही बना रही हूँ। ठीक है, मैं इसको रख देती हूँ फिर बताती हूँ। तो फिर आप ये देख सकते हैं इडली मैंने बनने के लिए लाइक उसका मोल्ड जो है वो तो गरम रख दिया था, तो गरम हो गया है पानी, अब उसमें सब मोल्ड्स में मैंने डाल दिया है बैटर को
एंड बस नॉर्मल इडली की तरह ही उसे चढ़ा दूँगी मीडियम फ्लेम में 10 to 15 मिनट्स के लिए। एंड बस वो सिकता रहेगा, लाइक स्टीम में पकता रहेगा, तब तक मैं बाकी चीज़ें कर लूँगी। तो चना दाल जो है चटनी के लिए, वो मैंने जैसे आपको दिखाया सेक के रखा था, तो बस वो ठंडा होने के लिए फ़ैन के नीचे रखा था, तो बस वो हो गया होगा। तो चटनी की तैयारी अब मैं सब कर लूँगी, लाइक उसको ग्राइंड करना है एंड ऑल। तो बस ये इधर इडली भी बन जाएगी एंड फिर चटनी भी बन जाएगी, फिर सर्व कर दूँगी मैं सबको। तो फिर आप ये देखिए, वो 10 मिनट्स के लिए भप रहा है, तब तक मैं ये लेकर आ गई हूँ चना दाल को। एंड इसके बाद इसे मिक्सी के जार में डाल के, ठंडा हो गया ना ये, गर्म मैं नहीं पीस सकता अच्छे से, तो मैंने ठंडा कर कर ही पीसा। तो फिर उसी पैन में मैं उसे छौंका लगा दूँगी, इसलिए रख दी हूँ। एंड मिक्सी के जार में इसको डाल के लाइक थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है इसमें। पहले मैंने एक कटोरी जैसे डाल दिया, फिर इसे ग्राइंड किया, फिर उसके बाद एक बार फिर से मैंने इसमें आधा कटोरी पानी डाल दिया और फिर से ग्राइंड किया। ऐसे करके एक फ़ाइन पेस्ट बना लेना है, बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं, लाइक हल्का दरदरा रहना चाहिए, वह ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये चटनी भी ग्राइंड हो गई है, तो इसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। एंड ये मेरे हस्बैंड आए थे देखने के लिए, एंड उसके बाद ये मेरे मदर इन लॉ रेडी होकर आए हैं, पूजा की तैयारी में हैं, अभी पूजा करेंगे। तो पूजा की तैयारी वैसे मेरे फादर इन लॉ ने कर दी थी, जो पूजा के बर्तन है उसे क्लीन करके एंड भगवान का मंदिर जो है उसे क्लीन करके सब तैयारियां करके रख दी थी। तो फिर आरती वगैरह करेंगे मम्मी अभी, तो बस वहीं जा रहे थे करने पूजा। एंड ये मैंने चटनी को एक बाउल में निकाल लिया, मिक्सी का जार भी मैंने साथ ही साथ क्लीन करके रख दे रही हूँ, बाद में फिर वो ड्राई हो जाता है। तो बस एंड इसमें नमक नहीं डाला था हम लोगों ने, तो मैं फिर नमक डाल रही हूँ, 1 टीस्पून नमक डाल दिया मैंने। एंड ये पैन भी गर्म रख दिया है, तो फिर इसमें नॉर्मल छौंका लगाएंगे जैसे लगाना है। करी पत्ता ये ले लिया मैंने, वॉश करके रख दिया था। एंड उसके बाद 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, फिर सूखी हुई लाल मिर्च जो रहती है खड़ी लाल मिर्च वो ले लूँगी मैं 1-2 पीस। एंड ये राई और जीरा डाल दे रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, और ये वाली चटनी जैसे मैंने बताया था आपको कि मेरी मदर इन लॉ की स्पेशलिटी है, लाइक मेरी जब शादी हुई थी शुरू में, तो मैं जब फर्स्ट बार आई थी यहाँ पे, तो फिर मेरी मदर इन लॉ ने मुझे एक बार बना के बताया था ये वाली चटनी। एंड उसके बाद 10 ईयर्स हो गए मैं ही बना रही हूँ ये चटनी तब से, तो लाइक उनकी स्पेशलिटी है ये, तो सब जो भी आता है उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये वाली चटनी। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ईजी एंड बहुत टेस्टी लगती है इडली के साथ। तो मैं तो यही चटनी बनाती हूँ, आप लाइक रेस्टोरेंट वगैरह पे जो खाते हैं मूंगफली ये सब की चटनी, नारियल की चटनी, उन सबसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये वाली चटनी। आप डेफिनेटली ट्राई करिएगा इसे एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसे लगा। और बस यही है। तो फिर वो पैन में मैंने हल्का सा लाल मिर्च पाउडर भी एक चुटकी डाल दिया एंड बस नॉर्मल छौंक लगा के चटनी में मिक्स कर दिया, तो ये चटनी रेडी हो गई है। एंड तब तक इडली भी हो गया है, 10 मिनट्स हो गए, तो अब मैं इसे ठंडा करके बस निकाल लूँगी सबको, ये आप देख सकते हैं। एंड बस ये ठंडा होएगा, इतनी देर में मैं मेरे बच्चों को लाइक सर्व करके दे दूँगी प्लेट में, क्योंकि बच्चे तो चाय वगैरह लेते नहीं हैं, उनको दे दूँगी पहले, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड की चाय भी चढ़ा दूँगी मैं। तो हस्बैंड चाय के साथ लेते हैं, 1 कप चाय लेंगे, आप ये देख सकते हैं मैं चाय चढ़ा रही हूँ, बस 1 कप चाय लेते हैं वो। एंड मस्ट लाइक चाय लेना हम लोग का तो नाश्ता में, सभी को ही लेते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मेरी फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ तो शाम को भी चाय पीते हैं, बट हम लोग नहीं पीते, बस हम लोग सुबह लेते हैं चाय, तो उनकी चाय मैंने चढ़ा दी है। तो ये नाश्ता रेडी था, चटनी इडली सांभर सब कुछ बन गया है, और चाय ये और बन जाती है, फिर उसके बाद मैं मेरे हस्बैंड की प्लेट भी लगा दूँगी। और आप ये देख सकते हैं एक मसाला डाला मैंने, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, तो ये मसाला है सौंठ का, लाइक चाय में बनाते टाइम यही वाला पाउडर डालती हूँ मैं मेरे हस्बैंड एंड मेरी चाय में, तो बाकी पापा तो इलायची लेते हैं सिर्फ, और मदर इन लॉ मेरी अदरक ले लेते हैं कई बार, नहीं तो वो पाउडर भी डाल लेते हैं, बस वही है। तो इसमें सौंठ का पाउडर एंड इलायची एंड लौंग एंड काली मिर्च,
सब मिक्स करके ग्राइंड करके रखा हुआ है, एक मसाला चाय बन जाता है इसको डाल देने से। तो हाफ़ टी स्पून ऐड करते हैं हम लोग अपनी चाय में, बहुत टेस्टी बनती है इससे चाय। तो हम लोग इसको पीस के रख लेते हैं पहले से ही, तो रोज़ रोज़ लाइक डेली अदरक कूट के उसमें डालने का नीड नहीं होता, नेसेसिटी नहीं होती है। बस वो हाफ़ टी स्पून पाउडर को डाल दिया तो मस्त मसालेदार अच्छी वाली कड़क चाय बन जाती है, अच्छा टेस्ट आता है। आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो जब तक वो चाय बन रही तब तक मैंने इडली को भी डीमोल्ड कर लिया है एंड प्लेट लगा रही हूँ मैं अभी, पहले बच्चों की प्लेट लगा के दे रही हूँ। और बच्चे बैठे थे वहीं पे, चीकू की जैसे तबीयत ठीक नहीं है, मैं बताऊंगी आपको क्या हो रहा था कल से। लाइक कल आफ्टरनून से उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द था एंड वॉमिट कर रहा था वो, बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी उसकी। वो रात को भी कुछ भी नहीं खाया एंड लंच पे जो खाया था वो भी पूरा वॉमिट कर दिया था, तो उसकी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है। तो वो बैठा था बाहर रेस्ट कर रहा था, नहीं तो अभी तो वो मेरे पास ही रहता किचन में, लाइक वो आना जाना करता रहता है, इधर उधर घूमते रहता है, मस्ती करते रहते हैं बच्चे तो यही है। बट उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो बैठा था टीवी के सामने ही बैठा था, हम लोग लाइक उसे थोड़ा सा टीवी देखने दे रहे थे ताकि उसको अच्छा लगे। एंड आप देखिए ये प्लेट भी डल गई है, तो बस ये तीन चार पीस इडली एंड चटनी एंड सांभर, ये बच्चों के लिए प्लेट दिखा रही हूँ मैं, बस यही नाश्ता देकर आई। हेलो, वेलकम बैक। एंड मैंने आज सुबह से लाइक व्लॉगिंग शुरू करी एंड सुबह मैंने दिखाया नाश्ता में क्या बनाया। तो नाश्ता में हम लोगों ने नॉर्मल जो चावल और दाल की इडली रहती है वो खाया एंड उसके साथ सांभर एंड चने दाल की चटनी, मैंने उसकी रेसिपी डाली है एंड पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ बट अभी फिर मैंने बना रही थी तो डाल दिया। एंड बस उसके बाद मैं लाइक मेरा बिस्तर विस्तर कुछ भी नहीं उठाई थी ना, सब पड़ा हुआ था, बच्चे आज लेट से उठे थे तो आके बाकी सब काम है वो सब किया। देखो आप देख सकते हैं ये बेड वेड सब मेरा क्लीन हो गया है, सब यहाँ पे सब कुछ क्लीन हो गया है, सब काम हो गए, बच्चों को भी रेडी कर दिया। बस आज मैंने भी शैम्पू किया है तो मेरे बाल तो अभी प्रॉपर सूखे नहीं है, गीले हैं थोड़े। एंड मैंने तो 1 बजे सुबह वॉश कर लिया था हेयर, बट मौसम ऐसा है कि अभी तक सूखे नहीं है। एंड मैं किचन में जब काम करती हूँ तो बालों को बांध लेती हूँ, नहीं तो फिर इधर उधर बाल गिरते रहते हैं, थोड़े से हेयर फॉल हो रहे हैं मेरे को। तो बस यही था। एंड चीकू की आज तबीयत लाइक कल से उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है उसको। कल सुबह नाश्ता के टाइम तो ठीक था, एक पराठा और सब्ज़ी उसने खाया था, बट उस टाइम भी वो बोल रहा था कि मेरे को लाइक पेट में दर्द हो रहा है ऐसा। उसके बाद फिर जब हम लोगों ने सोचा ऐसे ही वो, क्योंकि खाना नहीं खाना चाहता है, तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि वो ऐसे ही बोल रहा है एंड ठीक हो जाएगा। बट फिर उसके बाद आफ्टरनून को दाल चावल भी खिलाई मैं, तो बहुत मुश्किल से लाइक जितना वो रोज़ खाता है डेली उससे कम खाया। एंड उसके बाद से तो एकदम पेट तेज़ दर्द है बोलने लग गया एंड लेट गया था वो, नहीं तो वो हमेशा एक्टिव रहता है, बिल्कुल भी लाइक उसको कितनी भी तबीयत ख़राब रहे वो बिल्कुल भी लेटता नहीं है, हमेशा एक्टिव रहता है। तो फिर वो उसके बाद भी एक्टिव था, लेकिन जब दोपहर को खाया दाल चावल तो उसके बाद वो एकदम सुस्त हो गया था एंड उसके बाद उसको वॉमिटिंग शुरू हो गई। लाइक उसके बाद नहीं, वो 3 बजे खाया होगा लंच, तो उसके बाद से फिर वो पेट दर्द है करते करते 7 बजे उसको वॉमिटिंग हुई शाम को। तो फिर 7 बजे हुई, फिर हर हाफ एन आवर में उसको वॉमिटिंग होने लग गई, लाइक 3-4 बार उसने किया उसके, लाइक वो कुछ भी नहीं खाया था। एंड उसके बाद फिर एक छोटी सी चॉकलेट खाई थी, कोई टॉफ़ी खाई थी उसने, तो उसे भी वॉमिट कर दिया। एंड हम लोगों ने उसे, मेरे हस्बैंड ने लाइक ORS का जो रहता है घोल वो बना के उसको पिलाने की कोशिश करी, तो उसको भी लाइक एक घूट पानी पिया और उसके बाद फिर वॉमिट कर दिया ऐसे करके, वरना वो पानी भी पी रहा था तो उसको वॉमिट हो जा रही थी, ऐसा हो गया था, तो एकदम वीक भी लग रहा था वो। एंड उसके बाद शाम को फिर मैं चाट बनाने वाली थी बट फिर चीकू की तबीयत ठीक नहीं थी एंड उसके बाद लेट भी हो गया था काफ़ी मुझे, वो जितनी बार भी वॉमिट कर रहा था लाइक वो ड्राइंग रूम में कर दे रहा था तो फिर क्लीन करना पड़ रहा था मुझे, तो मेरा पूरा टाइम इसी में चला गया, मुझे काफ़ी लेट हो गया था डिनर प्रिपेयर करने में। फिर उसके बाद मैंने सोचा आज
रहने देते हैं चाट का प्रोग्राम, एंड उसके बाद फिर नॉर्मल खिचड़ी बनाया मैंने। तो फिर मेरे फादर इन लॉ ने भी बोला कि खिचड़ी या कुछ ऐसा बना ले तो सबको ही खा लेंगे एंड चीकू भी खा लेगा। तो फिर खिचड़ी बना लिया नॉर्मल मैंने, दाल चावल की जो रहती है एकदम सिंपल वाली। उसके बाद फिर कढ़ी के साथ खाते हैं हम लोग, बट फिर मेरे फादर इन लॉ ने बोला कढ़ी भी मत बना, ऐसे ही खाएंगे सादा अच्छा लगेगा, हल्का रहेगा, थोड़ा सा लाइट रहेगा। फिर उसके बाद उसको मैंने कुछ नहीं खिलाया कि थोड़ा सा नहीं खाएगा तो अच्छा लगेगा उसको, क्योंकि वो पानी पीने के बाद भी वॉमिट कर दे रहा था। तो फिर उसके बाद मेरे फादर इन लॉ ने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि जो हींग रहता है हम लोग सब्जियों में डालते हैं, वो हींग को पानी में थोड़ा सा घोल लो, लाइक इतना सा हींग को एक ड्रॉप पानी में घोल लो, एंड उसके बाद जो ये रहता है बेली बटन रहता है ना, वहाँ पे वो लगाओ एक ड्रॉप, एंड उसके बाद आटे की जो लोई रहती है, आटा गूंथते हैं हम लोग तो वही आटे की लोई रहती है, उसे एकदम फ्लैट करके, इतना बड़ा फ्लैट करके उसमें लाइक बेली बटन में ऐसे अटैच कर यहाँ पे लगा रख देना है पेट में, जिससे पेट थोड़ा ठंडा रहेगा, एंड उसके बाद ऊपर से फिर एक दो ड्रॉप हींग का पानी डाल देना है। तो ऐसे उन्होंने किसी से पूछा तो बताया, तो फिर वही किया मैंने, एंड वो लगाने के बाद फिर वो सो गया बिना कुछ भी खाए पिए, एंड फिर रात को भी सोया था तो 1 बजे फिर वॉमिट किया, वो नींद में ही उठा और एकदम कैसे फेसेस बनाने लग गया, एंड उसके बाद वॉमिट हुई उसको फिर से 1 बजे रात को। अब मैं तो जस्ट उस टाइम सो ही रही थी, सोया भी नहीं था मैंने, फिर बस फिर वो सुबह सुबह थोड़ी देर तक सोया, लाइक वो 8:30 में उठा, थोड़ा लेट से उठा आज। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं खा रहा था, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि कुछ तो खाए, तो एक इडली मेरे फादर, मैं तो बना रही थी नाश्ता किचन में थी, तो फिर मेरे फादर इन लॉ ने एक इडली उसको खिलाया, तो फिर बस वही इडली खाने के बाद भी वो वॉमिट कर दिया, एंड लाइक बिल्कुल एम्प्टी स्टमक है, वो कुछ नहीं खाया है। तो फिर उसके बाद वॉमिटिंग की एक मेडिसिन लेकर आए मेरे हस्बैंड, एंड अभी उसने ली है मेडिसिन, दिया मैंने, तो बस उसके बाद थोड़ा सा ऐसा लग रहा है उसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि 1-2 घंटे हो गए लेकिन उसने वॉमिट नहीं किया है टचवुड, तो फिर आई थिंक उसको अच्छा लग रहा है। तो क्या बोलते हैं, बस उसके बाद फिर मैं आई, अपना सब काम करी, एंड उसे भी नहला दिया ताकि थोड़ा फ्रेश फील हो, गर्मी भी हो गई होगी लग रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म थी तो, बट किस लिए हुआ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बाहर का तो कुछ खाते ही नहीं है, एंड क्या बोलते हैं, गर्मी भी अभी 2 दिन से तो कम ही है, तो वॉमिटिंग किस लिए हुई समझ में नहीं आ रहा है, बट देखते हैं आज और जो मेडिसिन अभी वॉमिटिंग की लेकर आए हैं वो देंगे उसे, अगर उससे कुछ रिलीफ मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं डॉक्टर को दिखाएंगे। एंड आज तो संडे है तो लॉकडाउन रहेगा, डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे शायद, तो मे बी कल जाएं हम लोग, अगर कल तक उसको अच्छा नहीं लगेगा तो, आज तो देखते हैं थोड़ा सा। एंड बस यही है, अभी मैंने उसे तैयार किया, एंड उसके बाद बोला है नीचे कार्टून देख रहा है थोड़ा सा, कि लाइक थोड़ा सा ध्यान इधर उधर होगा तो उसे अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर ध्यान उसी में रहेगा तो उसको और ज़्यादा तबीयत एकदम ख़राब लगेगी, तो इसलिए थोड़ा सा टीवी देख रहा है वो अभी, एंड बस यही है। एंड आज का व्लॉग तो देखती हूँ मैं, इसी में एंड कर रही हूँ, एंड अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकॉन जो है बना हुआ वहाँ पे साइड में उसे भी प्रेस करना मत भूलिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो बस इसमें मैंने अपनी इडली जो आज नाश्ता में बनाया उसकी रेसिपी शेयर करी, एंड ऐसी थोड़ी बहुत बातें करी। तो आपको व्लॉग पसंद आया होगा तो देखते रहिए ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स, एंड लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।